श्री पशुपत्यष्टकम् स्तोत्रम् ध्यानम् ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वालांगं परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं मर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलं भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजतरे मनुजा गिरिजापतिं न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम् अवती कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मुरुजाडिण्डीं वाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चं नादविशारदं प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम् अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजं चितीरजोधवलीकृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मखविनाशकरं शशिशेखरं सततं ध्वरभाजीफलप्रदं प्रलयदग्धसुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं मदम्बास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजराभयपीडितं जगद्दुदिक्ष समीप भयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं हरिविरंचि सुराधिप पूजितं यम जनेश धनेश नमस्कृतं त्रिनयनं भुवनत्रितयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिं पशुपतेरिदष्टकम् अद्भुतं विरचितं पृथ्वीपति सूरिणा पठति संश्रुणुते मनुजः सदाशिवपुरीं वसते लभते मुदम् इति श्री पृथ्वीपति सूरि विरचितं श्री पशुपत्यष्टकम् स्तोत्रम् संपूर्णम्। स्तोत्रम् के हिंदी अनुवाद। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु मृग वर और अभय हैं, जो प्रसन्न हैं, पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीच और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके पांच मुख और तीन नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। अरे मनुष्यों, जो समस्त प्राणियों स्वर्ग पृथ्वी और नागलोक के पति हैं, दक्ष कन्या सती के स्वामी हैं, शरणागत प्राणियों और भक्त जनों की पीड़ा दूर करने वाले हैं, उन परम पुरुष पार्वती वल्लभ शंकर जी को भजो। अरे मनुष्यों, काल के वश में पड़े हुए जीव को पिता माता भाई बेटा अत्यंत बल और कुल इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए तुम गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्यों, जो मृदंग और डमरू बजाने में निपुण है, मधुर पंचम स्वर के गायन में कुशल है, प्रमथ और भूतगण जिनकी सेवा में रहते हैं, उन गिरिजापति को भजो। अरे मनुष्यों,
शिव 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 कहकर मनुष्य जिनको प्रणाम करते हैं, जो शरणागतों को शरण सुख और अभय देने वाले हैं, उन दया सागर गिरजापति को भजो। अरे मनुष्यों, जो नर मुंड रूपी मणियों का कुंडल और सांपों का हार पहनते हैं, जिनका शरीर चिता की धूली से धवल है, उन वृषभ ध्वज गिरजापति को भजो। हे मनुष्यों, जिन्होंने दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था, जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हैं, जो यज्ञ करने वालों को सदा ही फल देने वाले हैं, और जो प्रलय की अग्नि में देवता दानों और मानवों को दग्ध करने वाले हैं, उन गिरजापति को भजो। अरे मनुष्यों, जगत को जन्म जरा और मरण के भय से पीड़ित, सामने उपस्थित भय से व्याकुल देखकर बहुत दिनों से हृदय में संचित मद का त्याग कर उन गिरजापति को भजो। अरे मनुष्यों, विष्णु ब्रह्मा और इंद्र जिनकी पूजा करते हैं, यम जनेश और कुबेर जिनको प्रणाम करते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं तथा जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, उन गिरजापति को भजो। जो मनुष्य पृथ्वीपति सूरी के बनाए हुए इस अद्भुत पशु पत्यष्टक का सदा पाठ करता और श्रवण करता है, वह शिवपुरी में निवास करता है और आनंदित रहता है। इस प्रकार श्री पृथ्वीपति सूरी विरचित श्री पशुपत्यष्टक स्तोत्रम का हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ।